हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर गर्ल रितिका। सो आज का जो सॉन्ग है, मेरी इस सॉन्ग के पर्टिकुलर सॉन्ग के कवर में बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज कॉर्ड्स बताइए, स्ट्रमिंग पैटर्न्स बताइए। सो मैंने सोचा कि स्ट्रमिंग पैटर्न एंड कॉर्ड्स बहाना बता के मैं ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूँ। एंड ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी है। आई मीन जब मैंने सॉन्ग गाया था एंड जब मैंने सॉन्ग सुना था, मैंने सोचा बहुत अच्छा सॉन्ग है, थोड़े कॉर्ड्स टिपिकल होंगे, बट बिल्कुल भी नहीं, बहुत इजी कॉर्ड्स है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो इस सॉन्ग में हमें सिर्फ चार बेसिक कॉर्ड्स लगेंगे, चार इनिशियल कॉर्ड्स जो हम जब यूकेलेले लाते हैं, जब सीखते हैं। सो जो पहले चार कॉर्ड्स हम सीखते हैं, वही चार कॉर्ड्स लग रहे हैं, दैट इज सी, ए माइनर, एफ एंड जी। ठीक है, बस यही चार कॉर्ड्स के साथ हम लोग बहुत अच्छे से गाना गा सकते हैं। सो कॉर्ड्स बताने से पहले आप लोग का यूकेलेले ट्यून होना चाहिए, इट्स जी सी ई ए। सुनाई नहीं दिया, इट्स जी सी ई ए। ओके, सो पहला कॉर्ड है, सबसे पहला कॉर्ड है, दैट इज सी। फॉर सी वी हैव टू पुट आवर रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के लास्ट, मतलब फोर्थ स्ट्रिंग के, दिस इज सी मेजर। ओके, द नेक्स्ट वन इज ए माइनर। ए माइनर के लिए हमारा मिडिल फिंगर सिर्फ सेकेंड फ्रेट के टॉप स्ट्रिंग पे, मतलब फोर्थ स्ट्रिंग पे रहेगा, दैट्स इट, दिस इज ए माइनर। ओके, फॉर एफ, फॉर एफ हमारा मिडिल फिंगर वहीं स्टक रहेगा, हमारा बस इंडेक्स फिंगर फर्स्ट फ्रेट के नीचे से सेकेंड स्ट्रिंग पे आ जाएगा, दिस इज एफ मेजर। ओके, एंड द लास्ट वन इज जी मेजर। जी मेजर के लिए वी हैव टू पुट आवर फर्स्ट फिंगर सेकेंड फ्रेट के थर्ड स्ट्रिंग पे, मिडिल फिंगर जाएगा उसी फ्रेट के सबसे लास्ट स्ट्रिंग पे, एंड रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट के सेकेंड स्ट्रिंग पे, दिस इज जी मेजर। ओके, सो ये थे चार बेसिक कॉर्ड्स, दैट इज सी, ए माइनर, एफ एंड जी। सो अब हम फटाफट चलते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न पर। ओके, सो स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने इस बार आप लोग के लिए दो प्रिपेयर किए हैं, एक चक मेथड होगा एंड एक नॉर्मल स्ट्रमिंग पैटर्न होगा। सो मैं पहले चक मेथड बता देती हूँ, क्योंकि वो मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन में एंड इवन प्ले अलॉन्ग में मैं यूज करूंगी। सो दैट इज डाउन चक, डाउन अप चक। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डाउन चक देन डाउन अप चक। ठीक है, दैट इज डाउन चक, डाउन अप चक, डाउन चक, डाउन अप चक, डाउन चक, डाउन अप चक, डाउन चक, डाउन अप चक। ओके, अगर मैं सी लगा के करूं, सो डाउन चक, डाउन अप चक, डाउन चक, डाउन अप चक, चक मतलब म्यूट, डाउन चक, डाउन अप चक, डाउन चक, डाउन अप चक। फाइन, ये था हम लोग का फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न। एंड द सेकेंड वन इज डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। फाइन, दैट इज डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। अगर मैं सी लगा के करूं, धीरे धीरे करती हूं पहले, सो डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप, डाउन डाउन अप, अप डाउन अप। सो ये थे हम लोग के दो इजी स्ट्रमिंग पैटर्न्स। आप लोग को जो भी अच्छा लगे, आप लोग को पहला चक वाला अच्छा लगे आप लोग वो यूज कर सकते हैं, आप लोग को ये वाला अच्छा लगे तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन पर। सो कॉर्ड प्रोग्रेशन बताने से पहले आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, ये आप लोग को नॉइस आती रहेगी, प्लीज इग्नोर करिए इसको। सो जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है बहुत ईजी होने वाला है। जो इंट्रो का कॉर्ड प्रोग्रेशन है, दैट इज जो इंग्लिश लाइंस आती है चार, उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी एफ जी सी, सी एफ जी सी, ये दो बार होगा, दैट इज इट फील्स सो गुड में हम लोग जाएंगे, स्विच करेंगे एफ पे, गुड लव पे हम लोग स्विच करेंगे जी पे, फेल्ट में हम लोग सी पे बैक टू सी, रिपीट सी एफ जी सी, द वे वी किस, द वे वी टच, फॉर यू माय हार्ट विल नेवर गो। ओके, सी एफ देन जी सी, ये जो चार इंग्लिश लाइंस है इसकी सी एफ जी सी दो बार, ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद वर्स आ जाएगा, बातें बातों में शाम हुई, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन है सी एफ सी सिंगल बार, देन एफ जी दो बार, देन वापस ये पूरा कॉर्ड प्रोग्रेशन रिपीट होगा, दैट इज सी एफ सी एक बार, देन एफ जी दो बार। सो बातों में शाम, इस पे स्विच करेंगे एफ पे, बातों में शाम हुई,
बैक टू सी, ठीक है, सी एफ सी हुआ, अब एफ जी, एफ जी दो बार, ये एक बार पूरा हो गया, वापस सी एफ सी एफ जी एफ जी, दैट इज ठीक है। ये कॉर्ड प्रोग्रेशन पूरा हो गया, इसके बाद का कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये चलती हवाएं, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन है ए माइनर जी, ये दो बार, देन सिंगल बार एफ, देन दिल ना जानिया, ये आ जाता है, सो इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन सी एफ सी एफ सी एफ सी एफ, चार बार है। आप लोग फिर जितने बार दिल ना जानिया गाना चाहिए आप लोग गा सकते हैं। सो अब हम ए माइनर से स्टार्ट करते हैं, ये चलती हम लोगों ने जी पे स्विच किया, देन अगेन ए माइनर जी, केक दो जी के जाने बिना, देन कब दो दिलों के हो, ये पूरा एफ पे आएगा, दैट इज जाने बिना कब दो दिलों के हुई यारियां, देन दिल ना जानिया, इसका सी एफ सी एफ आप जितनी बार करना चाहो, दैट इज दिल ना जानिया ना जानिया, ये एफ पे गाएंगे, फिर से गाती हूँ, दिल ना जानिया ना जानिया, दिल ना जानिया ना जानिया, दिल ना जानिया ना जानिया, दिल ना जानिया। ओके दैट्स इट, ये था हम लोग का फर्स्ट वर्स, एंड सेकेंड वर्स भी एज इट इज, दैट इज दूरी तेरे बिना भी क्या दूरी, इसका भी सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो मैंने बताया था, मैं वापस एक बार पूरा रिपीट कर रही हूँ, दैट इज सी एफ सी एफ जी दो बार, देन ये पूरा होल कॉर्ड प्रोग्रेशन दो बार, उसके बाद आ जाता है ए माइनर जी दो बार, एफ सिंगल बार, देन सी एफ सी एफ, आप लोग जितने बार दिल ना जाने गाना चाहो। इतना ही था, सेकेंड वर्स भी गाएंगे, सेम कॉर्ड प्रोग्रेशन लगेगा, सो अभी हम लोग प्ले अलॉन्ग करेंगे, सो आप लोग एक साथ मेरे, एक बार में आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं। एंड एज वी ऑलवेज डिड कि हम लोग जिस भी कॉर्ड से स्टार्ट करें, हम लोग सी से स्टार्ट करें, सो वो हम लोग स्ट्रमिंग पैटर्न में दो बार या चार बार प्ले करेंगे, देन वी विल गो अहेड। सो बहुत बहुत ही बहुत प्यारा सॉन्ग है, एंड सेकंड वर्स, आई एम सॉरी मुझे सेकंड वर्स नहीं आता, वरना मैं वो भी गाती, आप लोग को सेकंड वर्स गाना आप लोग गा सकते हैं। एंड यस, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट्स में डू लेट मी नो आप लोग नेक्स्ट क्या ट्यूटोरियल चाहते हैं, किसी सॉन्ग का कवर चाहते हैं, या यूकेलेले के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मैं जरूर बनाऊंगी। एंड ट्यूटोरियल बहुत ईजी था, आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग कवर बनाएंगे आप लोग मुझे टैग करिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब किसी पर भी आप लोग टैग करिए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, हम लोग अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, थैंक यू सो मच, बाय।